को स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। लगातार आपकी मुलाकात जनता से करवा रहे हैं, आज भी आपकी सीधी बातचीत जनता से करवाएंगे। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहने के बाद। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? तरनजीत। हम कहाँ से आई हैं? मैं खिजरपुर पटियाला। हम कितना टाइम हो गया डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? 25 साल हो गए। आप 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, तो क्या कारण है कि आप लगातार यहाँ पर आती हैं? मुझे अच्छा लगता है, सारा कुछ वातावरण सही है, सारे कुछ ठीक लगता है, उस करके से आ रही है। कुछ साल पहले संत जी पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? कोई रोप नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा, यह जी कोई गले नहीं हैगी। सानू इन्ने साल हो गए थे, उन्होंने से बच्चे शादियाँ भी इतने करी ने, यह जी कोई सानू पता नहीं है लग गया हैगा भी यह जहाँ कोई इतने चल रहे हैं, कुछ भी कोई बात नहीं है। समाज की भलाई के लिए संत जी ने ऐसे कौन से कार्य करवाए हैं? फूड बैंक चला रखा है, वैश्यावती शादी करवा रखी है, किन्ना वास्ते भी सोच रखा है, और भी बच्चों बारे सुख दुआ समाज है, कुछ भी आ सारे वास्ते पिताई भला ही सोचते हैं। क्या समाज को संत जी की ज़रूरत है? हाँ जरूरत, बहुत ज़्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहोगे? गवर्नमेंट से अपील करते हैं पिताजी को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए है, जो भी आरोप ने वो सब झूठे ने, यह जहाँ कोई रोक नहीं लगना चाहिए गुरु जी को। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि संत जी को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए। इन्हीं फैक्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।